पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार कश्मीरियों के लिए और अधिक कठिनाइयां उत्पन्न करने हेतु अधिकाधिक जनता विरोधी नीतियों को अपना रही है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में नई दिल्ली द्वारा नियुक्त प्रशासन की नीतियों के परिणाम में अधिकृत कश्मीर घाटी को भीषण पावर संकट का सामना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में निरंतर बढ़ते पावर के संकट के विरुद्ध व्यापक प्रतिवाद सामने आ रहे हैं। गत कुछ दशकों में इस प्रकार की पावर की समस्या कभी नहीं देखी गई। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पावर का उत्पादन बहुत अधिक कम हो गया, जो कश्मीरियों विशेष रूप से घाटी में रहने वाले निवासियों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। पावर की कमी के कारण भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में जनता को बहुत लंबे लंबे ब्लैक आउट तथा भीषण कठिनाइयों का सामना है, जो कदाचित कश्मीरियों के लिए एक सामूहिक दर्द है। ऐसी स्थिति में जब घाटी में तापमान 0 डिग्री है, पावर की अनुपस्थिति ने कश्मीरियों की यातनाओं में और अधिक वृद्धि कर दी है। स्वास्थ्य सेवा, व्यापार तथा विद्यार्थियों की शिक्षा को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पावर फेलियर के कारण भीषण चुनौतियों का सामना है। नई दिल्ली द्वारा स्थापित भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने न केवल जनता को पावर से वंचित किया हुआ है, वरन वे अपनी सभी मूल अनिवार्यताओं से वंचित हैं। मोदी शासन द्वारा आर्टिकल 370 के बहिष्कार के पश्चात दिए गए वचन मात्र केवल एक छल के और कुछ नहीं। मोदी शासन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में तथाकथित शांति तथा विकास की झूठी रिपोर्टें प्रकाशित कर रहा है। भारत यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहा है कि कश्मीर में तथाकथित शांति, समृद्धि तथा विकास का एक नवीन युग आरंभ हो गया है, जो विश्व को मिश्रित करने का एक विफल प्रयास है।